हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस सीआरटी टीवी को। तो इस सीआरटी टीवी में दोस्तों काफी प्रॉब्लम है। कस्टमर ने कहा है कि ये चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। जब टीवी को ऑन करते हैं तो बहुत देर में ये ऑन होता है, ये प्रॉब्लम आता है। और ऑन होने के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से में लाइनें आती हैं, हल्की रिट्रेस लाइन आती है, मतलब पिक्चर के ऊपर में। तो दोस्तों इसमें इतने प्रॉब्लम है, कभी ये लेट ऑन होता है तो कभी ये चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है। तो चलने के बाद इसमें रिट्रेस लाइनें आनी लगती है। ये सभी प्रॉब्लम है। इन सभी प्रॉब्लमों को हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयर करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, वीडियो को जरा भी स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाले समय में हम डालते रहें। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये टीवी पहले कभी रिपेयर हुआ है तो इसमें मॉड्यूल यूज किया गया है। और उसके बाद बाकी देखिए, ये मेन आईसी लगा हुआ है इसमें, और इसमें जो कैपेसिटर वगैरह वो फूला हुआ कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, जिस कारण से अगर लेट में ऑन हो रहा है तो उसके वजह से वो ऐसा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले सबसे पहले जो वोल्टेज है उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम चेक करेंगे कि इसमें पावर सप्लाई से कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है और कौन कौन से सेक्शन में कितना वोल्ट जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एसी वोल्ट चेक करते हैं। तो एसी 245 वोल्ट आ रहा है, तो एसी वोल्टेज तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। और उसके बाद इसको मीटर को मैं डीसी की रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो यहाँ पर 330 वोल्ट डीसी मेरे को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि फिल्टर सर्किट इसका सही काम कर रहा है। अब इसके पावर सप्लाई का जो आउटपुट है वहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। 110 वोल्ट की लाइन पर देखिए कितना आ रहा है, 109 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी सही है। और उसके बाद जो अगला वोल्टेज है उसको चेक कर लेंगे। इस पर ये जो है वोल्टेज यहाँ पर 23.7, तो 24 वोल्ट के करीब ये भी वोल्ट है, तो ये भी सही वोल्ट आ रहा है। और इस लाइन में देखते हैं यहाँ पर 4.9 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज काफी कम है। यहाँ पर लगभग 10 से 12 वोल्ट होना चाहिए, मिनिमम तो 10 वोल्ट होना ही चाहिए, तो इस लाइन में हमें वोल्टेज कम मिल रहा है। इस सप्लाई लाइन से मेमोरी आईसी को 5 वोल्ट सप्लाई बनाकर दिया जाता है, 5 वोल्ट बना के। और उसके बाद इसी सप्लाई से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट का रेगुलेटर भी ऑपरेट होता है, तो सप्लाई यहाँ पर कम बन रहा है। और यहाँ साउंड ऐसी खास सप्लाई तो ठीक है, 24 वोल्ट दिखा रहा है। अभी तो ये ऑन नहीं है, टीवी ऑन कंडीशन में नहीं है। तो एक बार हम इसके जो 180 वोल्ट लाइन है वहां पर वोल्टेज चेक करते हैं, तो 108 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि टीवी ऑन नहीं है, बूस्ट नहीं हो रहा है। और ट्यूनर पर 2.8 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट बनना चाहिए। लेकिन इस लाइन को पहले हम ठीक कर लेते हैं। इस लाइन में देखिए, ये जो 10 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई बनता है, इसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन बोलेंगे। अगर 10 वोल्ट भी इसमें बनता है तो ये सही से काम करता है। तो इसका जो कैपेसिटर है इसको हम चेंज करके देखेंगे, कैपेसिटर कहीं से फूला हुआ नहीं है। लेकिन इस कैपेसिटर को एग्जैक्टली कितना इसका वैल्यू आ रहा है, ये कमजोर है या नहीं, इसको चेंज करना है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक कमाल का मीटर है, मल्टीमीटर। ये है HTC कंपनी का DM98। ये मल्टीमीटर दोस्तों, इसमें कैपेसिटर चेक करने का ऑप्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा मीटर है, जिससे आप कैपेसिटर की परफेक्ट वैल्यू चेक कर सकते हो। तो आपको ये मीटर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये 470 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पर 215-220 के करीब ये
कैपेसिटी दिखा रहा है। तो इसमें खास बात यह है कि ये कैपेसिटर को भी अच्छे से चेक कर लेता है, जिससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है कि किस कैपेसिटर को चेंज करना है किसको नहीं, ये हमें कंफर्म हो जाता है। नहीं तो हम ऐसे आंख बंद करके कैपेसिटर चेंज करते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों 253 है, 250 माइक्रोफेरेड मान के चलिए, तो ये 470 माइक्रोफेरेड का है, इसकी वैल्यू आधे के आसपास हो गई, तो इसको हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 470 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का कैपेसिटर मैं यूज कर रहा हूँ, और ये कैल्ट्रॉन कंपनी का है, कैपेसिटर भी काफी बढ़िया रहता है। तो इसकी वैल्यू हम चेक करके देखते हैं इसमें कितना वैल्यू इसका शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों 475 माइक्रोफेरेड यहाँ पर शो कर रहा है, UF लिखा है देखिए मल्टीमीटर में, तो 475 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है, इसमें प्रिंट है 470। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसका वैल्यू होता है, एग्जैक्टली कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ 5 से 10% आगे पीछे उसका रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा कैपेसिटर है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है कैल्ट्रॉन का, और मल्टीमीटर में चेक करने से ये बहुत ही आसान हो गया है। अब देखिए कैपेसिटर तो हमने लगा दिया, अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज को चेक किया हमने, 10 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 110 आ रहा है, अब ये 25 वोल्ट हो गया, और ये जहाँ पर वोल्टेज पहले 4.9 वोल्ट आ रहा था उस लाइन की वोल्टेज आप देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट आ गया। तो मिनिमम 10 या 12 हो जाए तो सेट ओके हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ट्यूनर पर 4.9 वोल्ट यानी 5 वोल्ट बन गया, और 180 वोल्ट सप्लाई लाइन को देखते हैं 171 मिल गया, मतलब ये भी ठीक है, 180 ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब टीवी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी टीवी ऑन नहीं हो रहा है, सप्लाई तो सही बन गया लेकिन अभी टीवी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, स्टैंड बाय रिलीज हो गया है और 180 वोल्ट भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो बेस है इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, बेस पर वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं। तो बेस पर भी देखिए 170 वोल्ट पहुंच रहा है, और फिलामेंट का वोल्टेज यहाँ पर देखिए इतना आउटपुट हो रहा है, AC 6 वोल्ट के करीब फिलामेंट का वोल्टेज आउट हो रहा है, और वो भी बेस पर पहुंच रहा है। लेकिन इसमें मेरे को ड्राई सोल्ड दिख रहा है, तो मैंने ड्राई सोल्ड को ओके कर दिया है, और देखिए ड्राई सोल्ड ओके करने के बाद उतना वीडियो मैंने स्किप कर दिया था ताकि आपका टाइम बच जाए। देखिए ड्राई सोल्ड करने के बाद ये सेट ऑन हो गया है, इसका बेसमेंट ड्राई सोल्ड था इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। अब देखिए इसके पिक्चर के ऊपर में ये जो रिट्रेस लाइनें हैं, हल्की सी रिट्रेस लाइनें बन रही हैं, आप देख सकते हो ये देखिए पिक्चर के ऊपर में, तो ये प्रॉब्लम भी इसमें है। तो हमने 10 वोल्ट सप्लाई को सही किया, और उसके बाद ड्राई सोल्ड था बेस में CRT बेस में उसको सही किया। अब यहाँ पर देखिए जो ये जो रिट्रेस लाइन आ रहा है ये वर्टिकल IC के पिन नंबर कहाँ पर होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक कैपेसिटर है जो कि पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 के बीच में ये लगा हुआ है, तो ये वाला कैपेसिटर है दोस्तों। ये 100 माइक्रोफेरेड और 35 वोल्ट का आप यूज कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पर कितना 100 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट लगाया, तो 100 माइक्रोफेरेड हम 50 या 63 वोल्ट का यूज करेंगे। पहले इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, 100 माइक्रोफेरेड ये इस पर प्रिंट है, और इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है देखिए 1.1 माइक्रोफेरेड या 1.8, मतलब एकदम कम हो गया है, बिल्कुल जीरो ही समझिए। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक कैल्ट्रॉन कंपनी का अच्छा सा कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो ये 100 माइक्रोफेरेड और 63 वोल्ट का है, तो वोल्टेज कम बेसी आप कर सकते हो उसमें, माइक्रोफेरेड भी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। ये देखिए ये 98.3 दिखा रहा है, मतलब इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस मल्टीमीटर के वजह से दोस्तों कैपेसिटर को चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैपेसिटर की अगर वैल्यू बहुत कम हो जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिए, आपका सेट ओके हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटर लगाने के बाद
ये ऊपर में जो रिट्रेस लाइन बन रहा था पिक्चर के ऊपर में वो भी खत्म हो गया। सेट हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में आ गया और इसको हम लगातार चला के देख लेंगे और मेरे को नहीं लगता कि अब इसमें दोबारा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम था वो हमने निकाल दिया है और सेट ओके हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप टीवी को ठीक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।